फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सोलर पैनल्स के विषय में कि हमें डायरेक्ट सोलर पैनल्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगाने हैं तो कैसे लगाएं, और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, अपने पास है 425 वाट का सोलर सिस्टम, 200 वाट 225 वाट दोनों ही मोनोपार्क सोलर पैनल्स हैं। यूटेल की तरफ से ये दोनों आते हैं और इनको मैंने जो है वो डायरेक्ट लगा रखा है। बीच में हमने कोई भी कंट्रोलर, SMU या कोई भी चीज़ हमने बीच में नहीं लगा रखी है, सीधे इनको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, सीधे ये बैटरी को चार्ज करते हैं। तो क्या क्या परेशानियां आती हैं और कैसे आपको चार्ज करना चाहिए अपनी बैटरीज को, सीधे चार्ज करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात की जाए कि हमें डायरेक्ट चार्ज करना चाहिए या नहीं। तो उसका सीधा सा आंसर है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आपकी बैटरी होती है वो बहुत जल्दी ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको डायरेक्ट चार्ज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका लोड चलता रहता है और अगर आपके पास उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं और उतना ज़्यादा करंट भी नहीं आ रहा है कि आपकी बैटरी फुल हो पाती हो, तब आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सोलर पैनल बड़ा है और आपकी बैटरी छोटी है, यानी कि बैटरी को वो ओवर चार्ज कर सकता है, तब आपको डायरेक्ट सोलर पैनल्स नहीं लगाने चाहिए। मेरे केस में क्या है फ्रेंड्स कि अपना जो इन्वर्टर है वो हमेशा ऑन रहता है, अपना लोड चलता रहता है, इसलिए जो अपनी बैटरी है वो डिस्चार्ज होती रहती है, वो ओवर चार्ज नहीं होती है। इसलिए जो अपना सोलर पैनल है वो मैंने डायरेक्ट ही लगा रखा है, कोई इसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, जब दोपहर का समय होता है, जब ज़्यादा बैटरी चार्ज हो जाती है, तो अपना इन्वर्टर जो है वो आवाज़ करने लगता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय लगभग 12 बजे हुए हैं, 12:01 बजा हुआ है। तो इस समय जो इन्वर्टर का अपना वॉइस है वो चेंज होता है, गड़गड़ाहट की आवाज़, जर्क जिसको कहते हैं, तो वो आपके इन्वर्टर में देखने को मिलने लगता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि आपका जो बैटरी है वो ख़राब होने लगता है, प्लस मैनेजमेंट भी उसका सही नहीं हो पाता है, आपको कट करना पड़ता है। जैसे कभी मान चले घर से बाहर हैं या कोई कभी बाहर हैं, तो आपके अगर सोलर पैनल्स लगे हैं तो उनको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो कट का कोई ऑप्शन बीच में नहीं होगा। तो आपको बीच में एक SMU या एक सोलर चार्ज कंट्रोल लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कभी भी बीच में सोलर कंट्रोल, अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर, तो उसमें आप SMU ही इंस्टॉल करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जब भी आपको बैटरी चार्ज करनी होगी या आपका इन्वर्टर दोनों ऑन है, तो SMU जो है वो कंट्रोल कर लेता है, वो मैनेज कर लेता है कि बैटरी चार्ज होनी है या कब सोलर पैनल जब अवेलेबल होगा तो इन्वर्टर कट कर देगा। वैसे क्या होगा, अगर आपने सोलर कंट्रोलर ही लगा रखा है तो दोनों के दोनों ही बैटरी चार्ज करेंगे और आपका इन्वर्टर बैटरी जल्दी चार्ज कर देगा, तो उससे पैनल लगाने से आपको कोई फ़ायदा या बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप सोलर पैनल्स को डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो अगर आप दो पैनल्स यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह, तो सिंपली आपको इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, जैसा कि मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये मैंने T3 मंगा रखा है और उससे मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, फिर मेरा एक वायर गया है नीचे और सीधे जाकर के बैटरी से अपना कनेक्ट हो रखा है। और आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है, DC वायर है अगर आपके पास तो बहुत ही बेस्ट है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि कैसे मैंने कनेक्शंस जो हैं कर रखे हैं, और बीच में मैंने एम्पियर मीटर भी इंस्टॉल कर रखा है, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने एम्पियर वगैरह हमको देखने को मिल रहे हैं। फिर एक और चीज़ के बारे में बात की जाए कि क्या अपना जो, अगर मैं बैटरी से सीधा कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या मुझे रात में कनेक्शन हटा देना चाहिए क्या, या फिर रिवर्स करंट जो है वो सोलर पैनल्स में आने लगता है और हमारा करंट लॉस होता है? तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने डायरेक्ट बैटरी से लगा रखा है और 2400 घंटे आपका कनेक्ट रहता है, तो वापस आपका जो पावर है वो ड्रेन नहीं होता है। ये नहीं कि आपने रात में, जैसे दिन में तो पैनल चार्ज कर रहा है, करंट बना रहा है, लेकिन जब रात होगी करंट बनना बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए, ये वापस करंट नहीं आता है, क्योंकि इसमें डायोड्स वगैरह लगे होते हैं, तो वापस करंट आपका रिवर्स करंट यहाँ पे नहीं आता है, तो वो उसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को
नहीं मिलती है अगर आप डायरेक्ट पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ले चलते हैं आपको अपने इन्वर्टर के पास और दिखाते हैं कि कैसा क्या वहाँ पे मैंने सेटअप कर रखा है। बाकी मैंने SMU अपने इन्वर्टर के लिए ऑन मंगा लिया है, तो जल्दी ही उसकी भी वीडियो आएगी। तो अब आप लोग को ले चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कि कैसे मैंने कनेक्शन कर रखे हैं डायरेक्ट सोलर पैनल से। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं अपने इन्वर्टर के पास और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अपना जो है इन्वर्टर वो है वाइब्रेट कर रहा है और हीट भी हो चुका है, आप सुन सकते हैं आवाज़। तो जब ये बैटरी इसकी चार्ज हो जाती है तब ये काफ़ी ज़्यादा गड़गड़ाहट करने लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। आपका जो इन्वर्टर का वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको इसमें नहीं लगाना चाहिए सोलर पैनल, हम डायरेक्ट सोलर पैनल। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बीच में यहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगा रखा है और यहाँ पे अंदर मैंने सीधे इनका कनेक्शन जो है वो उससे कर रखा है और यहाँ पे भी मैंने एक श्रेणी क्रम में जो अपना एम्पियर मीटर है वो लगा रखा है। तो कुछ ऐसा अपना कनेक्शन टोटल देखने को मिल जाता है। अब डायरेक्ट सोलर पैनल्स लगाने के मुझे एक बहुत ही जिसको कहते हैं ख़राब एक्सपीरियंस है कि मुझे करना क्या पड़ता है कि अपनी बिजली कट करके रखनी पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बिजली कट कर रखी है जिससे कि अपना जो लोड है जो अपनी बैटरी हो वो सोलर पैनल से चार्ज हो, नहीं तो अगर मैं अभी पावर ऑन कर दूँ तो ये इन्वर्टर से बैटरी पहले चार्ज हो जाएगी और अपना सोलर पैनल बैटरी मतलब ओवर चार्ज कर देगा। तो इसलिए मुझे रोज़ सुबह उठ के मतलब ये प्रतिदिन का नियम है फ्रेंड्स कि मुझे उठना है और सबसे पहले घर की लाइट कट करनी है। तो ये एक मतलब जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है और आप इसमें फंस के रह जाते हैं कि ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब परेशानी है। तो अब मुझे करना क्या पड़ता है, रोज़ सुबह उठ के और यहाँ पर जो है अपना पावर कट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इन्वर्टर की जो MCB है वो कट कर रखी है यहाँ पर, तब जाके अपना जो इन्वर्टर है वो बैटरी से सोलर पैनल से जो है वो बैटरा चार्ज हो रहा है। तो ये एक जिम्मेदारी वाला काम बन जाता है। अगर किसी दिन आप नहीं हैं या आप कट करना भूल गए, उस दिन आपकी बैटरी की हालत ख़राब हो जानी चाहिए, उबल जानी है बैटरी, तो ये एक परेशानी रहती है। बाकी आपको जब भी आप लगाएं तो सोलर कंट्रोलर चार्ज कंट्रोलर ज़रूरी लगाएँ और अगर SMU अगर आपके पास पुराना इन्वर्टर है तो उसमें SMU ज़रूर लगाएँ, उसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर ना लगाएं, उससे आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।